उत्तर प्रदेश में फसलों की बर्बादी पर सिर्फ 19,000 किसानों को मिलेगा मुआवजा, उठ रहे सवाल। नुकसान 33% से ज्यादा आंका गया है। ऐसे में मुआवजा देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए 13 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है, पर ऐसे किसानों में मायूसी है जिनकी फसल 33% से कम बर्बाद हुई है। वे मुआवजे के फॉर्मूले पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 3 दिनों की बारिश व ओलावृष्टि से करीब 19,000 किसानों की 10,000 हेक्टेयर से अधिक की फसलें बर्बाद हुई है। इसका नुकसान 33% से ज्यादा आंका गया है। ऐसे में मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए 13 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है, पर ऐसे किसानों में मायूसी है जिनकी फसल 33% से कम बर्बाद हुई है। वे मुआवजे के फॉर्मूले पर सवाल उठा रहे हैं। राहत विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के हमीरपुर, ललितपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, बरेली व उन्नाव ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की बात सामने आई है। उन्नाव में 21 मार्च को ओलावृष्टि हुई है, जिसका सर्वे चल रहा है। बाकी जिलों के सर्वे में किसानों की फसलों के 33% से ज्यादा नुकसान की पुष्टि हुई है। प्रयागराज में सबसे अधिक 10,000 से ज्यादा किसानों की करीब 4,500 हेक्टेयर फसल नष्ट हुई है। यहाँ भी नुकसान पर राहत नहीं। मिर्जापुर, सोनभद्र व महुआ में भी ओलावृष्टि से नुकसान की बात सामने आई है, लेकिन इन जिलों में नुकसान 33% से कम आंका गया है। ऐसे में यहाँ के किसान सरकार के फॉर्मूले पर सवाल उठाते हैं कि यदि 32% नुकसान हुआ है तो उनका क्या गुनाह? सरकार को नुकसान के अनुपात में मुआवजा तय करना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट बुधवार सुबह तक की है। प्रदेश में सर्वे जारी है, आगे भी फसल बर्बादी पर मुआवजा मिलता रहेगा। इस तरह मुआवजा, एक अधिकारी ने बताया कि अधिकाधिक किसानों के फायदा के लिए जिला, तहसील, ब्लॉक या गांव को क्षति आकलन का मानक बनाने की जगह व्यक्ति को इकाई के रूप में लिया गया है। यदि एक भी व्यक्ति को आपदा से नुकसान हुआ है तो उसे तय मुआवजा मिलेगा, पर उसका नुकसान 33% से ज्यादा होना है। सरकार आपदा के जिले से प्रारंभिक रिपोर्ट लेकर मुआवजे की अनुमानित राशि जारी कर देती है।